मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगभग 42 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। शुक्रवार की सुबह जब पुलिस अपनी सामान्य चेकिंग कर रही थी, तभी भोपाल की ओर से छतरपुर की ओर आ रहे एक ट्रक को रोका गया। इस ट्रक में लगभग 1600 पेटी बियर मौजूद थी, जो कि अवैध परमिट पर जा रही थी। पुलिस ने जब इस ट्रक को रोकना चाहा, तो ये ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश में लग गया। बस इसी घटना के बाद पुलिस को इस पर संदेह हुआ और फिर घेराबंदी करते हुए पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ लिया। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 42 लाख रुपए है। पुलिस अब आबकारी विभाग से मिलकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये ट्रैफिक की नियमित जो चेकिंग रहती है वो आज चल रही थी मॉर्निंग में, और करीब 10:30 के आसपास ये भोपाल से एक ट्रक आ रहा था, जो ट्रैफिक के जो हमारे कर्मचारी चेकिंग में लगे थे उन्होंने इसे रोकने का इशारा किया, किंतु ये नहीं रुका और ये आगे निकल गया। तो इस पर शक हुआ और फिर इसको जब पकड़ा तो इसमें जो है बियर लोड थी। जब इसके पेपर्स चेक किए गए तो ये पता चला कि इसकी जो परमिट की अवधि होती है वो समाप्त हो गई है, और लगभग 8 बजे के आसपास, 8:15 बजे उसे छतरपुर आ जाना था, 10:30-11 के आसपास ये इसको पकड़ा गया। इस पर से थाना कोतवाली में एक्साइज एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, और इसमें कुल 1600 पेटी बियर है, जिसकी कीमत अंदाजन करीब 42 लाख रुपए होती है, और इसमें एक्साइज को भी हम पत्र लिख रहे हैं और नियमानुसार इसमें कार्रवाई करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी इसमें एक जो ड्राइवर है उसकी अरेस्टिंग हो रही है।